हेलो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट अड्डा पे आपका स्वागत है। आज की डेट है 25 सितंबर 2020। और दोस्तों, आज की एक जो न्यूज़ है हार्ले डेविडसन बाइक्स के बारे में। हाँ जी दोस्तों, हार्ले डेविडसन ने भारत में बंद कर दिया है अपना कारखाना। अब मोटरसाइकिलों की बिक्री हार्ले डेविडसन की भारत के अंदर नहीं होगी, तो इसका क्या कारण है? पूरा कारण मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हाँ जी दोस्तों, अमेरिका की दिग्गज फ्लैगशिप मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी हार्ले डेविडसन भारत में अपना प्रोडक्शन और सेल्स ऑपरेशन बंद कर रही है। कंपनी ने द रीवायर के तहत इसकी घोषणा की है। दरअसल कंपनी की तरफ से पिछले कुछ समय से इसके संकेत दिए जा रहे थे। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर के मुताबिक कंपनी के रिस्ट्रक्चर के लिए $75 मिलियन की ज़रूरत है, जिसके चलते कंपनी ने अपना प्रोडक्शन और सेल्स रोक दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हार्ले ने अपनी कुल बिक्री का केवल 5% ही भारत में सेल किया है। ऐसे में हार्ले के दीवानों के लिए यह एक काफ़ी बुरी खबर है दोस्तों। तो भारत में ऑपरेशन बंद करने को लेकर हार्ले डेविडसन की तरफ से ऑफिशियली प्रेस रिलीज जारी की गई है। और हार्ले डेविडसन ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी भारत में 2500 से भी कम यूनिट्स की बिक्री की थी। माना जा रहा है कि कंपनी के इस फैसले का एक बड़ा कारण कोरोना वायरस महामारी भी है, जिसके चलते भारत में इसके ऑपरेशंस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तो साथ ही दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से हार्ले डेविडसन भारत में परिचालन बंद करने वाली अमेरिका की दूसरी ऑटो सेक्टर की कंपनी है दोस्तों। इससे पहले जनरल मोटर्स ने अपने घरेलू परिचालन को समेट कर 2017 में अपने गुजरात प्लांट को बेच दिया था। और इससे पहले आई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हार्ले डेविडसन भारतीय बाज़ार में अपना ऑपरेशन बंद कर सकती है। रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में कम बिक्री और भविष्य में भी अपनी बाइक्स के लिए बेहतर मांग को नहीं देखते हुए कंपनी भारत में अपने असेंबली ऑपरेशंस को बंद करने पर विचार कर रही है। बता दें कि हार्ले ने भारत में 10 साल पूरे कर लिए थे। पहले भी दोस्तों हार्ले डेविडसन ने संकेत दिए थे कि हार्ले डेविडसन भारत के अंदर बंद होने वाली है। पिछले महीने अपने दूसरी तिमाही के परिणामों के साथ एक बयान में हार्ले डेविडसन ने कहा कि कंपनी इंटरनेशनल मार्केट से बाहर निकलने की योजना का मूल्यांकन कर रही है, जहाँ उत्पादन और लाभ भविष्य की रणनीति के अनुरूप निरंतर निवेश का समर्थन नहीं करते। तो दोस्तों, भारत में हार्ले डेविडसन का सफ़र ख़त्म हो गया है। हार्ले डेविडसन बाइक का भारत के अंदर नहीं बिकेगी, ना ही इसको जो है मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और क्या कारण था दोस्तों, ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। ऐसे ही ऑटो न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल ट्रांसपोर्ट अड्डा को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट अड्डा।